Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, do you know about the causative verb? What is the causative verb? Don't know? Today I am going to teach you about the causative verb. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, causative verb होता क्या है? इसमें हम किस words का इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम अगर simple भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो कुछ ऐसे हिंदी words होते हैं जिसके English नहीं होते हैं, तो उसका English बनाने के लिए हम उस words का इस्तेमाल करते हैं, तो वो causative verb हो जाता है, ठीक है? जैसे वो हंसता है, तो he laughs, और उसे हंसाया जाता है, या मैं उसे हंसा रहा हूँ, तो हंसना का तो laugh हो गया, लेकिन हंसाना का English, वह उसे रुला रहा है, रोना का English cry या weep, but रुलाना का English. Friends, हम क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट. कुड यू डू मी अ फेवर? यस, प्लीज टेल मी. ब्रिंग मी अ बिग पैकेट ऑफ बिस्किट. यस, आई विल डू. देयर इज अ बेकर अराउंड द कॉर्नर. ऑल्सो ब्रिंग मी सम स्वीट. देयर इज नो स्वीट सेलर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस लोकेलिटी. I'll have to travel 2 kilometers for the sweets. Take my bike, you can reach early. Okay. Have you got license? Yes, I have license. Okay, now go quickly and rush. Don't be rush. Okay, I'll come as soon as I can. Okay. Friends, चलिए शुरू करते हैं. This is the causative verbs. कॉजेटिव वर्ब में आज मैं आपको यूज ऑफ मेक, मेक का इस्तेमाल बताऊंगा कि मेक को सेंटेंस में जोड़कर हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसका हम जैसे कुछ भी काम, अगर हम कोई काम किसी और से करवाते हैं और मेरी मदद से कोई और कर रहा है, तो उसको हम उसमें हम मेक लगाते हैं. जैसे हम सिंपल भाषा में मैं बोलूँ कि कोई काम, किसी भी काम को मैं किसी और से करवा रहा हूँ और उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, तो उसमें हम मेक लगाएंगे, मेक का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैं बोलूँगा कि मैं उसे हंसा रहा हूँ या मैं उसे हंसाता हूँ, तो हंस रहा है कौन? कोई और. सामने वाला हंस रहा है, काम कोई और कर रहा है, बट उसमें शामिल कौन है, कराने वाला कौन है? मैं हूँ. मेरे बगैर वो नहीं हंसेगा, मतलब मैं उसे हंसा रहा हूँ इसलिए वो हंस रहा है. मतलब वो हंसने का काम जो कर रहा है वो मेरी वजह से कर रहा है, तो उसमें मैं शामिल हूँ, इसलिए इसमें हम मेक का इस्तेमाल करेंगे. मैं सेंटेंस के द्वारा आपको समझाता हूँ. जैसे वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है. आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में है. तो सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से मेक का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को पूरा करेंगे. लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर मेक ही मेन वर्ब होगा. जैसे कि मैं जाता हूँ, तो आई गो, ठीक है? तो वहाँ पर गो इज द मेन वर्ब, वहाँ पर गो मेन वर्ब हुआ. लेकिन यहाँ पर मैं उसे, वह मुझे हंसाता है, यहाँ पर हंसाना मेन वर्ब नहीं हुआ. यहाँ पर जो हम मेक लगा रहे हैं अलग से हंसाने की इंग्लिश बनाने के लिए, वो मेक ही मेन वर्ब है. इसलिए जो भी हम टेंस का जो भी रूल्स होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल्स है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, और जो चेंजिंग होगा वो मेक में होगा, न कि इस मेन वर्ब में लाफ में नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो जैसे वह मुझे हंसाता है, तो ही मेक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं. He makes me, means subject plus make main verb हो गया ये. फिर object me, मुझे हंसा रहा है तो object मैं हो गया. फिर verb आएगा, जो main verb इसमें last में जो main verb है वो last में आएगा. He makes me
लाफ। ठीक है, अब इसी तरह से जिस टेंस से भी संबंधित रहेगा वह सेंटेंस, उसी टेंस को हम ध्यान में रखकर, उसी टेंस के रूल्स को हम ध्यान में रखकर इसमें मेक लगाकर इंग्लिश बनाएंगे। और उसमें जो भी लगता है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, या आईएनजी लगता है, तो हम मेक के साथ लगाएंगे, न कि इसके साथ। ठीक है, मैं सेंटेंसेस बना बना के आपको समझाते जाता हूँ। वह मुझे हंसा रहा है, तो वह मुझे हंसा रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ही इज, हम रूल्स उसी टेंस के नियम को फॉलो करेंगे, हम उसी टेंस के जो नियम है, मेकिंग फॉर्मूला है, उसको ही हम फॉलो करेंगे, न कि हम किसी और रूल्स को फॉलो करेंगे। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि इसमें जो मेन वर्ब है मेक है, इस सेंटेंस में वो दिख नहीं रहा है मेक, बट हम मेक अलग से लगाते हैं, तो मेक इज द मेन वर्ब हियर, सो वी हैव टू डू चेंजिंग इन द मेक। मेक इज द मेन वर्ब हियर, सो हम जो भी चेंजिंग करेंगे, जो भी टेंस के हिसाब से चेंजिंग होगा, वो मेन वर्ब के साथ होगा छेड़खानी, न कि इसके साथ होगा। ही इज मेकिंग, आईएनजी लगता है, ही इज मेकिंग मी लाफ। उसने मुझे हंसाया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। ही हैज, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मेड मी लाफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से पास्ट टेंस के सेंटेंसेज होंगे, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज होंगे, सारे के सारे टेंसेज के सेंटेंसेज को हम उसके ही रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे, और जो भी चेंज करना होगा, छेड़खानी करनी होगी टेंस के हिसाब से, वो मेक के साथ होगा, न कि इस वर्ब के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें जो भी मैंने बेसिक में आपको सेंटेंसेस पढ़ाए थे, हैव हैज का इस्तेमाल, या हैज टू, हैव टू, शुड, मस्ट, कुड, कैन, कुड, ये सारे के सारे इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम मुझे नहीं हंसा सकते हो, तुम मुझे नहीं हंसा सकते हो, तो ये कैन कुड कैन का हो गया, तो यू कैन, यू कैन नॉट मेक मी लाफ, यू कैन नॉट मेक मी लाफ, सिंपल है। तुम्हें उसे नहीं हंसाना चाहिए, तुम्हें उसे नहीं हंसाना चाहिए, तो ये कौन सा चाहिए वाला आ गया, मीन्स शुड मस्ट आ गया, तो यू शुड नॉट मेक हिम लाफ, यू शुड नॉट मेक हिम लाफ। फ्रेंड्स इसी तरह से होगा, जितने भी, अब ये मत सोचना कि सिर्फ हंसाने के लिए हम मेक लगाएंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हम इंग्लिश में मेक लगाकर उसका इंग्लिश बनाना पड़ता है, क्योंकि हम किसी और से करवा रहे हैं और उसमें हम खुद शामिल होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बोल देता हूँ कि वैसे काम जो हम किसी और से करवा रहे हैं लेकिन उसमें हम शामिल होते हैं, हमारे शामिल होने के बगैर नहीं हो सकता, तो उसमें हम मेक लगाकर बनाते हैं। या दूसरी तरह भाषा में ऐसा ले लीजिए, सरल भाषा में, कि इंग्लिश में कुछ हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश नहीं होते हैं, जैसे हंसना का लाफ हंसाना का नहीं होता है, रोना का वीप रुलाना का नहीं होता है, खेलना का प्ले खिलाना का नहीं होता है, नहाना का बात नहाना नहलाना का नहीं होता है। तो उस तरह के वर्ड्स के लिए जब हम इंग्लिश बनाते हैं, मुझे नहला रहा है, या माँ बच्चों को नहला रही है, तो नहला रही है तो मदर इज़ बाथिंग द चिल्ड्रेन, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर, नहलाना का इंग्लिश बाथिंग नहीं होता है, नहाना का इंग्लिश बाथिंग होता है, इसलिए वहाँ पर नहलाने के इंग्लिश बनाने के लिए मेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि जिस भी टॉपिक का सेंटेंस आएगा, उसी टॉपिक के रूल्स के हिसाब से हम इसको हम बनाएंगे, और जो भी चेंजिंग करना होगा वो मेक के साथ चेंजिंग होगा, न कि इसके मेन वर्ब के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम वॉइस में कैसे बनाएंगे, वॉइस वॉइस जैसे हम एक लेते हैं कि उसे रुलाया जाता है, उसे रुलाया जाता है,
मतलब इसमें कौन शामिल है यह नहीं बताया जा रहा, दिस इज द वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही इज मेड टू लव। ठीक है, अगर हम पैसिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को अगर बनाना चाहेंगे इस हिसाब से, तो हम उसका वॉइस जो पैसिव सेंटेंस के वॉइस का जो फार्मूला है, रूल्स है, उसको ही हम फॉलो करेंगे, फिर उसके हिसाब से बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है तो उसमें इजारे में लगता है और थर्ड फॉर्म लगता है, तो उसके हिसाब से, और यहाँ पर टू लगेगा, मेड के बाद टू लगेगा। जितने भी इसमें पैसिव सेंटेंस आएंगे उसमें मेड के बाद टू जरूर लगेगा। जैसे घोड़ों को दौड़ाया गया, घोड़ों को दौड़ाया गया, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द हॉर्सेज वर, यहाँ पर वर आ जाएगा क्योंकि दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द हॉर्सेज वर मेड टू रन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैसिव सेंटेंस में आएगा तो हम मेड के बाद टू लगा देंगे, और उसका जो फॉर्मूला होगा जिस भी टेंस का होगा वहाँ पे इजार एम लगता होगा तो इजार एम लगाएंगे, वाज वर लगता होगा तो वाज वर लगाएंगे, हैज हैव लगता होगा तो हैज हैव लगाएंगे। ठीक है ना, अभी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप अगर अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मेक का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, दिस इज द कॉजेटिव वर्ब्स, मेक का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे माँ बच्चों को नहला रही है, द मदर इज मेकिंग द चाइल्ड, या चिल्ड्रन बच्चे हैं तो चिल्ड्रन बाथ, मदर इज मेकिंग द चिल्ड्रन बाथ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।